हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये फूल गोभी हमने लिया है, इसको बड़ी बड़ी पीस में काट लिया है, इसको अब अच्छी तरीके से धुल लिए हैं। देखिए, फूल गोभी और आधी कटोरी मटर इसको रख रहे हैं बॉयल होने के लिए। ये बॉयल हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, इसका आज हम फूल गोभी का चाट बनाएंगे। ये देखिए बॉयल हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है, इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं इस तरीके से, ठंडा हो जाए। ये बॉयल हो गया है तो इसको देखिए बारीक बारीक हम चाकू से काट ले रहे हैं। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, इसका डंठल हम निकाल देंगे, फूल फूल काट रहे हैं। ये देखिए फूल गोभी कट गई है, इसमें मटर भी है, दोनों चीज़ बॉयल है। इसको हम बाउल में रख रहे हैं इस तरीके से, इसमें हरी धनिया ऐड कर रहे हैं और ये हरा प्याज है। लहसुन मिर्चा अदरक एक चम्मच है, आधा छोटा चम्मच हल्दी है, देखिए खाने वाले चम्मच से डाल रहे हैं, एक आधा छोटा चम्मच जीरा है, चाट मसाला आधा चम्मच, चार पांच चम्मच बेसन है लगभग इसमें, और स्वाद अनुसार नमक। इसको हम अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं। इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच दरबरा कुटा हुआ लाल मिर्च डाल रहे हैं अभी। इसको भी इस तरीके से अच्छे से मिला रहे हैं। इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। ये देखिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसको मिला के देखिए गोला गोला लड्डू जैसे हम बना ले रहे हैं। ये देखिए आसानी से बन रहा है, न तो गीला है न तो सूखा। इस तरीके से सारे लड्डू बन गए हैं इस गोभी के। इसको हाथ पे रख के धीरे धीरे दबा के इसे हम चपटा कर ले रहे हैं इसको। ये देखिए आसानी से चपटा हो गया है। पैन रखे हैं, गरम है, इसमें आल लगा दिए हैं तो इसको इस तरीके से इसमें रख रहे हैं आराम से। देखिए चपटा चपटा करके इसमें रख दिए हैं। अब इसको हम दोनों तरफ पलट के आराम से सेक रहे हैं, हल्का हल्का ऑयल लगा दे रहे हैं ऊपर से ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। चारों तरफ से भी ऑयल लगा दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही कम तेल में बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इसको प्लेट में निकाल रहे हैं, कितना खिला खिला दिख रहा है। ये प्लेट में हम लगा दिए हैं, इसमें अब हम ऊपर से दही लगा रहे हैं। ये सादी दही है, खट्टी नहीं है। दही हम लगा दिए, इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी लगा रहे हैं ऊपर से। ये हरी चटनी तीखी लगा दे रहे हैं। इसमें हम काला नमक डाल रहे हैं बहुत हल्का सा, और भुजा हुआ जीरा पीसे हुए थे दरबरा कुटा हुआ उसको डाल रहे हैं। इसमें हरी भुजिया नमकीन डाल रहे हैं। और बारीक कटा हुआ प्याज, कद्दू का सूखा गाजर बहुत बारीक है उसको डाल दिए हैं। ये हमारा चाट बन के रेडी हो गया है, देख लीजिए आप लोग, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।